हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो जैसे कि मैं बताया था कि बीजामा का अपडेट जैसे ही पास आने रहेगा तो आपको और भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा बीजामा का अपडेट से रिलेटेड। एक चीज़ तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला 2.8 का, उसमें हार्दिक पांड्या का आपको सेट देखने को मिलेगा, वॉइस ट्रैक देखने को मिलेगा। ऑलरेडी कोलैबोरेशन स्टार्ट हो चुका है ये वर्जन से ही, क्योंकि जो अभी जो करंट जो इवेंट चल रहा है पैन वाला, गोल्डन पैन वाला, उसमें आपको हार्दिक पांड्या देखने को मिलता है बीजामा के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया। आज एक और चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ कि बीजामा के अंदर 2.8 का जो अपडेट आने वाला है उसमें आपको सेल या बहुत सारा डील वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और 90% कंफर्म हो चुका है कि भाई ये मिथिक फॉर्ज भी आपको गेम के अंदर, मतलब बीजामा के अंदर इंट्रोड्यूस होते हुए दिख जाएगा। और ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया है समझ के चलो। बट एक चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कि मिथिक फॉर्ज का जो आइटम आएगा बीजामा के अंदर वो एग्जैक्टली हो सकता है सेम टू सेम आने वाला है ग्लोबल से या केआर वर्जन से, या बोल सकते हो टोटली अलग होगा, अलग से वो लोग डालेंगे। वो चीज़ तो आने से ही पता चलेगा। बट कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि आपका मिथिक फॉर्ज आपको ये 2.8 का अंदर देखने को मिल जाएगा। अब प्रीवियस वर्जन है कि उससे पहले वाला वर्जन मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैं मान के चलता हूँ 2.7 में पबजी मल केआर मिथिक फॉर्ज को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले मिथिक फॉर्ज पबजी मल केआर में भी नहीं था। और जैसे पबजी मल केआर में इंट्रोड्यूस हुआ था तो प्रीवियस वाला जो आइटम है वो तो गेम के अंदर ऐड नहीं हुआ, बट पिछले वर्जन में जो चीज़ ऐड हुआ था और इस वर्जन में जो ऐड हुआ था केआर वर्जन में भी वो चीज़ ऐड हो चुका। रिमेनिंग प्रीवियस वाला जो चीज़ है वो आएगा कि नहीं कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ अपकमिंग डेज में जो जो मिथिक फॉर्ज में आइटम आएगा वो आपको बीजामा के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिवॉर्ड का कंफर्मेशन तो भाई जिस दिन अपडेट आएगा, जिस दिन आप खुद खोल कर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या रिवॉर्ड है। बट एक चीज़ अच्छा है कि मिथिक फॉर्ज आने वाला है। अब मिथिक फॉर्ज जब आएगा ना तो सबसे अच्छा बात है कि इसका एम्बलम मिलेगा और इससे रिलेटेड इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। लाइक मिनी मटेरियल तो पहले से इंट्रोड्यूस हो गया था, बट ये मिथिक फॉर्ज वाला इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था बीजामा के अंदर, इसी के चलते हम लोग को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये मटेरियल पैक्स भी देखने को मिल सकता है। देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि पबजी मल केआर में भी दो ही चीज़ है, तीन चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ परचेज गिफ्ट। ये जो इवेंट ये शायद से आपको देखने को मिलेगा बीजामा के अंदर भी, क्योंकि ये पबजी मल केआर में भी आया है, ग्लोबल वर्जन में तो पहले से ही था। और इसमें जितना भी आइटम है केवल एक ही चीज़ बचा हुआ था, वो था ये मिथिक फॉर्ज का मटेरियल। तो फाइनली जब ये चीज़ आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको सबका सब रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर आप 30,000 यूसी तक अगर आप परचेस करते हो, यूसी परचेस करने के बाद बोला स्पेंड नहीं, तो आपको पूरा पूरे रिवॉर्ड मिल जाएगा सबका सब। ये जो इवेंट का टाइम पीरियड देख पा लगभग 25 से 28 दिन का होता है, तो जो जो बंदे बहुत ज़्यादा ओपनिंग करते हैं तो आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। नहीं तो मिनिमम अगर आप 600 यूसी में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको ये तीन चीज़ तो मिलना फिक्स है। 1500 तक डालोगे तो मिथिक फॉर्ज का मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। मिथिक फॉर्ज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि इसके अंदर जो रिवॉर्ड ऐड किया जाता है तो ये कभी भी हटता नहीं है। तो अगर मान के चलो कोई आउटफिट पे आपका नज़र बना हुआ और ये आपको एनी हाउ चाहिए तो आप फ्री टू प्ले बंदे हो तो टाइम टेकिंग हो सकता है, बट आपको मिल ही जाएगा एक टाइम में जाके। बट अगर आप बोल सकते हो पेड वाला बंदे हो तो आपको काफ़ी जल्दी ये मिल सकता है, क्योंकि हर एक वीक आपका जो पहला स्पिन होगा वो 5 UC का होगा। और इधर आप देख पा रहे हो एक वीक में अगर आप 5 ओपन करोगे तो 3 मटेरियल मिलेगा, 10 ओपन करोगे तो 1 क्लासिक ओपन मिलेगा, और 25 ओपन करोगे तो आपको ये वाला मिथिक फॉर्ज का बड़ा वाला मेडल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 2.8 का सबसे ज़्यादा हाइलाइटिंग चीज़ था वो है एजी करेंसी का मटेरियल्स, जो कि हम एज अ बीजामा यूज़र मेरे को थोड़ा कम लगता है कि आएगा, बट इसमें से कुछ कुछ चीज़ तो मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा बीजामा के अंदर भी। उसके लिए एजी करेंसी का जरूरत होगा। एजी करेंसी मिलने का अलग अलग सोर्सेस है, तो जब बीजामा के अंदर कंफर्मेशन हो जाएगा कि एजी करेंसी का कुछ रिवॉर्ड्स आ रहा अच्छा खासा, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पूरा पूरी एजी करेंसी कहाँ कहाँ सब ले सकते हो। बट आज एक बहुत ही बोल सकते हो यूजफुल जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ सब अच्छा खासा एजी करेंसी अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग को मेन अकाउंट में जाना होगा, मतलब बीजामा के अकाउंट में, और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीजामा के अंदर आ चुके हैं, और आपको पता है कि नेक्स्ट जो वर्जन होने वाला है उसमें एजी करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब नहीं पता एजी करेंसी से बीजामा क्या क्या देगा, बट कुछ ना कुछ तो देगा, ये चीज़ मैं आपको कंफर्मेशन बता देता हूँ। अब जब एजी करेंसी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के पास एजी करेंसी उतना नहीं है, क्योंकि वो लोग एजी करेंसी से इससे पहले सप्लाई क्रेट ही खोलते थे, सेव करके नहीं रखते थे। तो उन लोग को एजी करेंसी का अलग अलग सोर्सेस चाहिए जहाँ एजी करेंसी उन लोग को मिले। तो अलग अलग सोर्सेस के बारे में दूसरा दिन बात करेंगे, बट आज जो सोर्स का बात मैं करने वाला हूँ वो आपका सेटअप करना होगा आज ही। और ये आपको धीरे धीरे डेली बेस में थोड़ा थोड़ा करके आपको वो सकते हो रिटर्न्स देगा, और ये थोड़ा थोड़ा करके आप जमा करके अच्छा खासा आप चीज़ निकाल सकते हो। कैसे उसके बारे में बात करें, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगा,
बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कुछ कुछ बंदे नए ज्वाइंट होते हैं तो इनको उतना आइडिया नहीं होता, जिनको पता है काफी अच्छे बात है, जिनको नहीं पता तो वो आप देख सकते हो। तो इधर आपको पता है कि जब भी आप गेम ओपन करते हो तो डेली सुबह को आप देखते हो क्योंकि मेल बॉक्स में कुछ चीजें आया हुआ है सुबह 5:30 बजे के बाद इंडियन टाइम, और उसमें आप देखते हो कि फ्रेंड सेक्शन में आपको देखने को मिलता है भर भर के बीपी कॉइंस एंड एजी करेंसी। बट एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, मेरा जो हो सकता मेल बॉक्स है उसमें ज्यादातर एजी करेंसी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो एजी करेंसी 3 आपको दिखाई दे रहा है बट डेली 3-3 करके मिलेगा, 10 दिन में 30 मिलेगा। और एक चीज भी है इसमें, आपको और भी चीज मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो गिफ्ट स्ट्रिक रिवॉर्ड। तो गिफ्ट स्ट्रिक रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, तो इसने 3 दिन लगातार हम लोग को पॉपुलरिटी शायद भेजा है, उसको गिफ्ट बोलते हैं ना शायद, तो वो 3 दिन तक लगातार भेजा तो वो स्ट्रिक बन चुका। तो वो स्ट्रिक बनने से ये फायदा हुआ कि हम लोग को एक बार में 50 एजी करेंसी मिल रहा है। जी हाँ, 50 एजी करेंसी कम नहीं होता, उसी के साथ साथ 2 बंदे के साथ करोगे तो मुझे 100 एजी करेंसी हो गया। इसका भी देखो 3 दिन हो चुका है तो मुझे और 50 एजी करेंसी मिल गया। उसके बाद आप देखो 7 दिन का स्ट्रिक करोगे ये शायद आप बहुत सारा सिनर्जी वाला है, और उसके साथ साथ देखो काफी सारा आप देखो स्ट्रिक बना हुआ है जिसमें हम लोग को 50-50 करके एजी करेंसी मिल रहा है जो काफी अच्छा बात है। तो इस तरह का 50-50 एजी करेंसी करके आप कितना ज्यादा कर सकते हो आप सबको पता है। और ये जो सोर्स है ना, ये बोल सकते हो डेली बेसिस का सोर्स है, ऐसा नहीं कि भाई आपको इवेंट उवेंट का वेट करना हो, रेगुलर बेसिस में ये होते रहेगा। अब ये चीज कैसे करना है आपको, ये चीज करने के लिए सबसे पहला चीज आपको करना है कि आपको कनेक्शन बनाना है। जी हाँ, ये चीज़ करने के लिए आपको कनेक्शन बनाना है, क्योंकि अगर आप कनेक्शन नहीं बनाते हो तो आप देखोगे कि रैंडम बंदे के साथ अगर मैं ये शेयर करता तो इधर आप देख पा रहे उसको सेंड करने का आ रहा बीपी कॉइन, इधर आपको दिखाई दे रहा बीपी कॉइन सेंड करने का आ रहा, बट अगर आप कनेक्शन के साथ आप शेयर करोगे तो ऊपर आप देख पा रहे एजी करेंसी शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको करना होगा, तो आज ही आपको करना ये है, जितना ज़्यादा हो सके कनेक्शन बनाना है। जी हाँ, कनेक्शन इसलिए बनाना है क्योंकि आपको बेनिफिट होगा डेली बेसिस में 3-3 एजी करेंसी का, क्योंकि मुझे पता है कि 3 एजी करेंसी काफी कम है बट ये लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा आपको फायदा दे सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके डेली बेसिस में 3-3 एजी करेंसी आपको मिलेगा। और कितना ज्यादा आप कनेक्शन बना सकते हो आप सबको पता ही है। इधर हम लोग क्लिक करेंगे ब्रोमेंस में, आप देख पा 6 कनेक्शन आप बना सकते हो, उसके साथ BFF में आप 6 कनेक्शन बना सकते हो, बडी में 6 कनेक्शन बना सकते हो, और लवर में 1 कनेक्शन बना सकते हो। तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आप 19 कनेक्शन बना सकते हो, और उसके बाद ये कनेक्शन के साथ अगर आप पॉपुलरिटी एक्सचेंज करते हो ना तो आपका एक स्ट्रिक भी बनता है। तो स्ट्रिक बनने से आपको 50-50 एजी करेंसी मिलता है, और ये देखने में काफी कम लग रहा है बट ये एक एक्स्ट्रा जगह है जहां से आपको एजी करेंसी मिलना फिक्स है। ठीक है, ये मिलना फिक्स है। इसके अलावा मैं काफी सारा सोर्सेस दिखाने वाला हूँ जब एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा बीजामा के अंदर क्या क्या चीज आने वाला है, बट अभी के लिए ये चीज आप सेटअप करके रखो, जितना ज्यादा कनेक्शन उतना ज्यादा एजी करेंसी आपको इधर से मिलेगा। और ये चीज मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ये वर्जन में कि अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे काफी लोगों को सिनर्जी अभी बना नहीं होगा, तो सिनर्जी बना के आप कनेक्शन में सबको लाते रहो, और उसके बाद जितना ज्यादा कनेक्शन बनाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप 100 दिन का बना देते हो कनेक्शन तो आपको मिल जाएगा ये बाइक पॉपुलरिटी। 3-3 बाइक पॉपुलरिटी आप देख पर मुझे मिला हुआ है, और ये बाइक पॉपुलरिटी का हम लोग क्लेम करके आप किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज है बताया काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा, एक टाइम केवल आपको सेटअप करना है कनेक्शन एक बार सेटअप कर लोगे उसके बाद आपको देखना भी नहीं है। डेली सुबह को आके मेल में क्लिक करना, फ्रेंड्स में क्लिक करना, ऐसे रीड एंड क्लेम में क्लिक कीजिए, देखिए इतना सारा हम लोग को एजी करेंसी बीपी कॉइन, आप मुझे एक सप्लाई कूपन भी मिल चुका है, टोटल आप देख पर 162 हम लोग का एजी करेंसी मिल चुका, जो कि काफी अच्छा बात है। 1800 का अगर आपको मिलता है एक मिनी मटेरियल, तो अगर 162 मिल गया पहले ही अटेम्प्ट में तो क्या कुछ खराबी है, नहीं खराबी है। ये तो मैं केवल एक ही सोर्स बताया, और भी बहुत सारे सोर्सेस है, और ये डेली बेसिस में आपको बेनिफिट देते रहेगा। ठीक है, अभी आप देखो अभी भी एजी करेंसी फंसा हुआ, क्योंकि एक दिन में इतना ही लिमिट रहता है, 5 या 10 बंदे को कर सकते हो, फिर कल आके मैं वापस से इसको क्लेम कर सकता हूं कि ये एजी करेंसी वेस्ट नहीं होता है, ये एजी करेंसी आपको मिलेगा ही। तो इधर हम लोग कल आएंगे तो ये हम लोग को मिलने वाला है, और इधर आप देख पर एक सप्लाई के ऊपर मुझे मिलने वाला है। तो स्पेशल माइलस्टोन जब पूरा करोगे ना तो ये सब एजी करेंसी आपको मिलते रहेगा। तो ये काफी लोगों को पता नहीं रहता, काफी लोग कनेक्शन नहीं बनाते, कनेक्शन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है ना वो विदाउट कनेक्शन आप मिस कर रहे हो, टोटली मिस कर रहे हो, क्योंकि ये आपको दूसरा जगह से नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, वो केवल कनेक्शन करने से ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, सिनर्जी बनाओ, जल्दी जल्दी कनेक्शन ऐड करो, कनेक्शन ऐड करना नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता कैसे ऐड होता है, कनेक्शन में क्लिक करोगे इधर आपको एस्टेब्लिश सिनर्जी आपको दिखाई देगा, इसमें क्लिक करोगे तो इधर आप देखो कुछ कुछ कनेक्शन पेंडिंग में ये अभी तुरंत इंस्टेंट में बना सकता हूँ, और उसके साथ जो जो कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ वो आप इधर देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक और एडवांटेज ये कि अगर आप कनेक्शन के साथ खेलते हो ना 5, 15 या 25 मैच एक वीक में,
तो आपको एक्स्ट्रा पॉपुलैरिटी गिफ्ट मिलता है। इधर आपको सिनर्जी एंड पॉपुलैरिटी गिफ्ट रिवॉर्ड जो कि आपको मंडे को मिलता है, हर एक मंडे आप सबको पता है ये मिलते रहता है, उसका अलग मेडल भी होता है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कनेक्शन बनाने का। ये चीज़ काफ़ी पुराना है बट काफ़ी लोग ये फीचर को यूज़ नहीं करते, जिसके चलते उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।